हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की, तो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के वीडियोस अपलोड किए हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर से देखिएगा। वीडियो पे कोई भी चार्जेस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। जो भी मटेरियल अवेलेबल है कॉमर्स अकेडमिया के चैनल पर वो एब्सोल्युटली 100% लाइफ टाइम फ्री मटेरियल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम आज सॉल्व करेंगे, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इजी टू अंडरस्टैंड एंड उसको लिखने में भी आसानी होती है, डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप आराम से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर बोला कि प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है। तो हम सभी जानते हैं कि प्लानिंग के बिना क्या हो सकता है। प्लानिंग तो बेसिस होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये हमने स्टडी किए हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको लिखना है कि प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जो फ्यूचर में जो एक्शन होने वाली है, जो एक्टिविटीज होने वाली है, उसके बारे में डिटेल्ड प्रोग्राम, मतलब प्लानिंग। नाउ प्लानिंग सभी को करनी पड़ती है, इवन आपको प्लानिंग करनी पड़ रही है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप भी प्लानिंग कर रहे हो कि कब कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना है, कितना टाइम देना है, कौन से स्टडी को कितना टाइम अलॉट करना है। तो प्लानिंग एवरीवेयर है। तो यहाँ पर एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। हर एक फंक्शन प्लानिंग पर ही डिपेंडेंट है, प्लानिंग पे ही बेस्ड है। नाउ एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस towards achieving goal and goal is set at the planning stage। हर एक organization जो है वो एक अपना goal तैयार करती है, अपना aim, अपना target तैयार करती है। and ये जो target होता है वो कब set होता है, वो planning stage में ही set होता है, planning के समय पर ही set होता है। now इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये क्या है, तो ये प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, विच इन्वॉल्व प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज। ये जहां पर खूब सोचने के बाद, क्रिटिकल थिंकिंग के बाद, एनालाइज करने के बाद में थिंग्स को, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट किया जाता है, इनको भी इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग के डिसीजन मेकिंग में। इनोवेटिव आइडियाज के साथ में प्लानिंग की जाती है, जब सोच कर हो जाता है, सोच समझ कर। नाउ अल्टीमेटली दीज इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इनटू अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो प्लान्स है इन्हीं की वजह से फिर हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो जैसे आप प्लानिंग करोगे प्रॉपरली तो आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जस्टिफिकेशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन बैंक में यही है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब सभी के लाइफ टाइम ये काम आने वाला एक तरीके से जो टर्म है, प्लानिंग टर्म। हम इस टर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट, कि प्लानिंग हर चीज में जरूरी होता है। तो ये क्या करता है, हमारे गोल है उसको अचीव करने में, हमें फाइनल रिजल्ट को पाने में, पॉजिटिव रिजल्ट को पाने में हमारी मदद करता है। नाउ इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। एडवांस में चीजों को कैसे करना है वो उसके बारे में डिसीजन ले लेना कि भाई कैसे हम एक्टिविटी को करेंगे, कैसे कैरी आउट करेंगे। एंड बाय डिसाइडिंग इन एडवांस, और जब हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं द टास्क टू बी परफॉर्म, जो काम करना है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमको करना है। प्लानिंग शोज द वे टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। जो भी है ना मुश्किलें आने वाली होती हैं, अनसर्टेन इवेंट्स आने वाले होते हैं, तो उनके साथ कैसे हमको टैकल करना है उसके वे आउट भी है ना हम प्लानिंग में ही डिसाइड करते हैं। प्लानिंग हमको बताती है कि अगर ये सिचुएशन आई तो आप कैसे हैंडल करोगे। ना इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप्स वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करता है एंड उसके एंड है ना कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की, भाई क्या काम कैसे कब कैसे होना है। ना अनलेस द प्लान इज रेडी अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा कैन नॉट बी अंडरटेकन। जब तक प्लानिंग नहीं तैयार होगी तब तक कोई भी है ना ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन कैरी आउट नहीं किया जा सकता। इसीलिए लास्ट में आप स्टेटमेंट को लिखोगे कि हेंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।
नाउ सेकेंड क्वेश्चन यहां पर ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटीज फैसिलिटेट सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, ये क्या किसमें हेल्प करता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को और है ना जो काम काज है ऑर्गेनाइजेशन के उनको हेल्प करता है, हेल्प करता है ये जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का. तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे पहले कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डिफाइन करना एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, और जो एक्टिविटीज करनी है उनको ग्रुप में डिवाइड करना, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, कि किसको क्या अथॉरिटी मिलने वाली है, क्या जिम्मेदारी दी जाने वाली है, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में. नाउ ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज असाइन करना, ग्रुप्स बनाना इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये किसका काम होता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है. वेयर इज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट इज ऑपरेशनल एक्टिविटी, और जो प्रोसेसिंग है वो किसके थ्रू होगी, अकॉर्डिंग टू कैसे होगी, तो वेयर इज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटी, और जो एक्टिविटीज का काम है, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उसकी प्रोसेसिंग को भी ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है. नाउ ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क एंड द एम्प्लॉयज देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेज. मतलब जब हम प्रॉपर ग्रुपिंग बनाते हैं, सही बंदे को जब सही काम दिया जाता है, सही एम्प्लॉय को सही टास्क दिया जाता है, तो क्या होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, और साथ में है ना रिडक्शन इन वेस्टेज, वेस्टेज में भी रिडक्शन होता है. हम बोलते हैं ना ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, ऑप्टिमम यूज मतलब आप वेस्टेज किए बिना आप जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हो उतना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है. नाउ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल. तो यहाँ पर क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम गोल बताते हैं, डिफाइन करते हैं कि किसको क्या काम करना है, ग्रुपिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता, काम डबल टाइम नहीं, एक ही काम दो बार नहीं होता है, और इस और जो जिम्मेदार पर्सन है वो है ना इफेक्टिवली अपना काम कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. नाउ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर द रोल्स एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड. तो ये जो है कि किस बंदे का क्या काम है, उसको उसका रोल, उसका मेन वर्क क्या है, उसको वो एक्टिविटीज उसको क्या परफॉर्म करनी है, वो चीज है ना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्लियर हो जाता है कि किसको कौन सा टास्क मिला है. जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए ना, आपके कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, स्कूल में एनुअल फंक्शन था, कॉलेज में एनुअल फंक्शन आपने देखा है, तो कैसे टास्क को डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस किस को क्या काम मिलेगा, तो उससे क्या होता है, टास्क भी इजी हो जाता है और हमारे गोल भी अचीव हो जाते हैं. नाउ द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग, उनके स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग पे डिपेंड करती है. एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड. ये खाली कब पॉसिबल है, जब ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है तो ही ये पॉसिबल होता है. मतलब प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है कि किसको क्या टास्क करना है, तो ये आराम से वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो काम काज करने का तरीका है और काम का जो स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा, उनके टास्क पूरी हो जाएंगे, दे कैन अचीव देयर गोल. दस ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है, ऑपरेशन है, उसको भी एज अ सपोर्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन को भी सपोर्टिव सिस्टम की तरह हेल्प करता है. नाउ थर्ड वन, एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर. यस, एंटरप्रेन्योर को गुड कम्युनिकेटर होना मस्ट है. क्यों? क्योंकि जो ये बंदा होता है वो उसको इंप्रेस करना होता है लोगों को, इसीलिए उसे एक गुड कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है. एंटरप्रेन्योर आर द पीपल हु हैव द करेज. अब ये होते कौन है, तो ये वो बंदे हैं जिनके पास करेज होता है, साहस होता है टू ऑफर एंड टू शेयर एन आइडिया, कि वो एक आइडिया शेयर करे, एक वो ऑफर करे प्रोडक्ट और सर्विस विद द वर्ल्ड. नाउ एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स. उसे किस किस से डील करना होता है, उसे कस्टमर से डील करना होता है, सप्लायर से डील करना होता है, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉयज, इन सबसे कम्युनिकेट करना होता है. अगर उसकी कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंसिव नहीं रहेगी
सामने वाले पे असर नहीं डालेगी, इम्पैक्ट नहीं डालेगी, तो वो अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो गुड कम्युनिकेटर होना उसको बहुत जरूरी है। ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसके स्ट्रैटेजीज उसको एक्सप्रेस करने जरूरी है इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू सक्सीड। अगर उसे सक्सेसफुल बनना है तो उसे अपने आइडियाज एंड अपने जो भी उसकी प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, वो शेयर करनी मस्ट हो जाती है, कम्युनिकेट करनी मस्ट हो जाती है। द एंटरप्रेन्योर ऑल्सो हैज टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है उसके यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं। सो क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी होनी जरूरी है उसमें, सो दैट द बिजनेस ग्रोज ओवरऑल, तो हर तरीके से बिजनेस ग्रो हो सके। एंड ही इज वेरी गुड एट हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे हैं ऑफ एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के, एंड कोचिंग अदर्स टू देयर सक्सेस, और दूसरों को भी वो लीड करते हैं, साथ ही उनको टीच करते हैं, समझाते हैं कि कैसे वो सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे आज हम टीचर्स आप लोगों को बोल रहे हैं कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उनको फेस करते हुए, सिचुएशंस को फेस करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना होता है, हमें कैसे दुनिया से कदम मिलाकर चलना है वो हमें डिसीजन लेना है। नाउ इट इज नेसेसरी दैट देयर इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज, जो मैसेज भेजने वाला एंड मैसेज पाने वाले दोनों के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। भेजने वाले की लैंग्वेज रिसीव करने वाले को समझ में आनी चाहिए, क्या मैसेज भेजा है, अगर वो मैसेज समझ में ही नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। दस द एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर, तो हम बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर को गुड कम्युनिकेटर होना जरूरी है, उसे ट्रांजैक्ट करना आना चाहिए थिंग्स को, सामने वाले पे इम्पैक्ट डालना आना चाहिए, एंड द इम्पैक्ट शुड बी पॉजिटिव। सर्टेन थिंग्स लाइफ में ऐसी होती है जो हमको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करती है, तो वी शुड सराउंड बाय द पीपल जो हमको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, हमको मजबूत बनाते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नाउ फोर्थ, यहां पर एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर। यस, एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर होना बहुत जरूरी होता है, इनोवेटिव कुछ करेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहां पे एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करता है एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा बनाने के लिए वो रिस्क उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है लाइफ में, तभी तो प्रॉफिट मिलता है, तभी सक्सेस मिलती है। बिना कुछ खोए कुछ नहीं मिलता है, आपको खोना पड़ता है, अपना समय देना पड़ता है, एफर्ट्स देना पड़ता है, तभी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। चीजों से भागने से सक्सेस नहीं मिलती है। ही इज कॉन्फिडेंट विद द नॉलेज दैट ही विल मेक हिज बिजनेस सक्सीड, वो अपने बिजनेस को कामयाब बनाएगा, उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे, उसको इतना नॉलेज होता है। Now, an entrepreneur introduces new combinations of means of production. जो means of production है उसमें भी वो नए innovative ideas लगाकर वो नया product launch करने में सक्षम होता है। Now, he must introduce new products or brings changes in the existing products. या तो उसको नया product market में लाना होगा, launch करना होगा, या उसको उसका जो पुराना प्रोडक्ट है उसमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस करने होंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कि जो इफेक्टिव हो, सेल करने में लोगों को अट्रैक्ट कर सके, इनोवेटिव आइडियाज यूज करने होंगे उसे। नाउ कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद न्यू प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं और न्यू फीचर्स जिस प्रोडक्ट में होते हैं, भले वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, अच्छा लगता है। अभी हम देखते हैं कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, लोग एक एक ऐड दिखाते हैं, ऐसा ऐसा उनका वो लोग इम्पैक्ट डालते हैं हमारे माइंड पे कि हम है ना मजबूर हो जाते हैं कि एक ट्रायल तो उस प्रोडक्ट का देखते हैं कि भाई कैसा है प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आया मार्केट में। आप आइसक्रीम की बात ले लो, नई जब आपको कोई ब्रांडेड आइसक्रीम जब नया प्रोडक्ट आता है, नई आइसक्रीम आती है, कुछ डिफरेंट अगर है तो आप उसको उस फ्लेवर को टेस्ट करना पसंद करते हो, तो इनोवेटिव होना जरूरी है, नया प्रोडक्ट या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें फ्लेवर में चेंजेस वगैरह करना जरूरी होता है। नाउ
इनोवेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन द बिजनेस. बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो वो इनोवेटिव आइडिया से हम सॉल्व कर सकते हैं. उसके लिए इनोवेशन जरूरी होता है, कुछ नया लाना, समथिंग न्यू, कुछ नया करना जरूरी होता है. दस एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर. इसलिए एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर होना पड़ता है. वो किसी को चीट कर नेगेटिव थिंग्स क्रिएट कर सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. एक ही बार सपोर्ट मिलेगा, राइट? पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है. सामने वाले की लाइफ में चेंजेस आए ऐसा काम होना चाहिए. नाउ फिफ्थ वन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. किसी भी संस्था की कामयाबी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, वो वहां काम करने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को. जब कोई फंक्शन होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है, तो उसका क्रेडिट उसके एम्प्लॉय से लेके वेरियस डिपार्टमेंट्स में करने काम करने वाले लोग, मैनेजमेंट, सबको जाता है. तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग वर्क, उसे इंटीग्रेट करना एंड सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी होता है. सो कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप. ये ग्रुप वर्क है, टीम वर्क है. एज प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एकता के साथ आगे बढ़ना जरूरी होता है. कोऑर्डिनेट कर चलना जरूरी होता है. कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स को वेस्ट होने से हम बचा सकते हैं अगर हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो. मान लीजिए बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा है गोडाउन में और परचेस डिपार्टमेंट ने और एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल ले आया जिसकी जरूरत नहीं थी, रखने के लिए जगह नहीं, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा. तो मिनिमाइज करने के लिए वेस्टेज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड परचेज डिपार्टमेंट है, दोनों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉइज मिनिमाइजेस. कोऑर्डिनेशन की वजह से जो फालतू फ्री का टाइम है एम्प्लॉइज का, उसमें भी कमी आती है, रिडक्शन आता है. डिले इन कम्प्लीशन ऑफ टारगेट्स. जो टारगेट दिया जाता है उस टारगेट को कम्प्लीट करने में समय नहीं लगता है, उसमें भी मिनिमाइजेशन आता है. यहाँ पर हम मिनिमाइज पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोले, मिनिमाइज डिले इन कम्प्लीशन ऑफ टारगेट्स. यहाँ पर बार बार मिनिमाइज वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर टू मिनिमाइज लिखकर ये सारे हम कौन सी एक्टिविटीज में मिनिमाइज कर सकते हैं वो दिया हुआ है. कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स. आपस के जो आपसी झगड़े होते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से, उसको भी ये कम करता है, एक्सेट्रा टू ए ग्रेट एक्सटेंट. काफ़ी हद तक ये डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. नाउ कोऑर्डिनेशन डेवलप्स कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन All the levels of management of an organization, top level management, middle level management, lower level management, सब में ये coordination क्या करता है, उनमें एक relation इस तरीके से बनाता है कि उनमें आपस में झगड़ा ना हो, एक दूसरे पे वो blame नहीं दे किसी भी activity को लेके, because of the coordination, क्योंकि minimization of wastage होगा, मिनिमाइजेशन ऑफ आइडल टाइम होगा, तो क्या होगा, ऊपर से लेकर नीचे सारे लेवल्स हैप्पी, दे विल वर्क टुगेदर. इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज विच इज एसेंशियल फॉर देयर स्मूथ फ्लो. अगर किसी भी एक्टिविटी का स्मूथ फ्लो कराना है तो इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है. अलग अलग एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज को एक साथ लाकर काम करना जरूरी है. इंटीग्रेशन जरूरी है, डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन जरूरी है.
इट एस्टैब्लिशेस हार्मनी अमंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, भाईचारा भी क्रिएट करती है इन अचीविंग डिजायर्ड गोल्स। कोई भी चाहेगा, उनकी इंस्टीट्यूशन है जहां पर वो काम करे, वो आगे तक है ना अपने गोल्स को अचीव करे। इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट तो एम्प्लॉयज को बेनिफिट। सो इट ऑल्सो बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टुगेदर, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है उन सबको एक साथ बांधता है। इट बाइंड्स टुगेदर, हेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है। नाउ सिक्स वन, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट। इक्विटी एंड इक्वालिटी में डिफरेंस है। इक्वालिटी मतलब एक समानता देना सबको, और इक्विटी मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसकी उतनी नीड को पूरा करना, फेयर ट्रीटमेंट करना। तो यहां पर व्हेन मैनेजमेंट शुड बी काइंड एंड फेयर टू देयर सबॉर्डिनेट्स। मैनेजमेंट को अपने सबॉर्डिनेट से, जो उनके काम करने वाले एम्प्लॉयज है, मैनेजर्स है, उन सबके साथ में उन्हें काइंड एंड फेयर होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, उनके साथ कोई चीट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए, बिकॉज पे स्केल्स मिलना जरूरी है सबको। हमें भी पता है ये चीजों को, हमने बहुत क्लोज से ये 1 ईयर में देखा है, ये लॉकडाउन की वजह से कितने बिजनेस, स्मॉल स्मॉल जो बिजनेस सेटअप्स है वो रुइन हो गए। व्हाई डिवाइडिंग द वर्क, डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज। जब काम डिवाइड किया जाता है, वर्क डिवाइड करते हैं एम्प्लॉयज में, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है, डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज, डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म्स, जब फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स को के रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, तो उस समय पर काइंड एंड फेयर होना जरूरी है सबॉर्डिनेट्स के लिए। देन मतलब जिसकी जितनी काबिलियत है उसको उस हिसाब से काम नहीं, किसको कितना जरूरत है और कितना उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉयज। द एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन द सेम लेवल, जो जिस सेम लेवल पे जो काम करने वाला बंदा है, जैसे परचेस डिपार्टमेंट का मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हुआ, तो वो डिपार्टमेंट के जो मैनेजर के लेवल की सैलरी वो सबकी इक्वल होनी चाहिए। इट शुड बी सेम, इट शुड बी पेड सेम वेजेस। देयर वेजेस शुड नॉट डिपेंड, उनकी जो वेजेस है वो डिपेंड नहीं होनी चाहिए डिपार्टमेंट पे, कि भाई ये ना सेल वाला है, सेल करेगा तो इनकम आएगी, परचेस वाला तो खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर्स हो रहा है, उसको कम दो, ऐसा नहीं। बट द लेवल एट विच दे आर वर्किंग, लेवल के अकॉर्डिंग, एज फार एज पॉसिबल देयर शुड बी इक्वल डिविजन ऑफ वर्क। जो काम डिवाइड किया जाता है, वर्क अलॉट किया जाता है, उसमें भी इक्वल डिविजन होना चाहिए। दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा होने से क्या होता है, जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, उनको भी काम करने में मजा आएगा, उनको सिक्योरिटी फीलिंग होगी उस ऑर्गेनाइजेशन में, एंड वो और दिल लगा के काम करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स है उसको अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन को 100% उनके एफर्ट्स देंगे। दस द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए उसे अपने एम्प्लॉयज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो जस्टिफिकेशन है उनके सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, स्टडी अच्छे से करना है, मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। नेगेटिविटी को अपने से दूर रखो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, रिमेंबर यू आर स्टडिंग फॉर योर सेल्फ। आप ना अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो, ना अपने टीचर्स के लिए पढ़ रहे हो, ना किसी और के लिए। यू आर स्टडिंग फॉर योर सेल्फ टू बिल्ड योर करियर, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर। तो आपको ये ध्यान में रख के पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।